हैं यहाँ पर। ये अरे देखिए सर नीचे देखो यार, हमारे साथी ये मेरे साथी नीचे देखिए पानी भरने गए। देखिए जो नजारा है इसको हम ड्रोन के द्वारा आपको दिखाएंगे। फाइनली गाइस अब हम निकलेंगे मंदिर की ओर, तो रास्ते लग चुके हैं सब लोग, तो मैं एक लाइट लाया हूँ यहाँ पर ये, ताकि रास्ता दिखे और कैमरे में भी आपको साफ साफ दिखे। तो आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर, करीब न करीब एक घंटा और यहाँ से चलना है, तो रात का सफ़र है तो आराम आराम से चलना पड़ेगा। मंदिर में भी कोई घंटी नहीं बज रही है, शायद कोई आया नहीं आया, अभी देखना पड़ेगा वहाँ जाके। तो चलते हैं आपको, और दो हमारे दो भाई लोग यहाँ से पानी भरने गए हैं नीचे, तो उनको भी लाना है ऊपर को, तो चलते हैं आप मंदिर की ओर। देखिए गाइस बहुत ही अंधेरा हो चुका है, बच्चे अभी भी लगे हैं चलने में, थकान नहीं हुई है, छोटे बेटे को मेरे और लड़की को भी तक थकान नहीं हुई है, अंकु भैया भी चल रहे हैं, और धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, तो काफ़ी ठंड हो रहा है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं लोहड़ी का जो दूसरा टॉप है, इसके बाद हम पहुंचेंगे सीधे लोहड़ी। हमारे साथी ये मेरे साथी नीचे देखिए पानी भरने गए। देखिए अंधेरे के बीच में जो उजाला दिख रहा है वहाँ पर देखिए, ये लाइट लंबी चढ़ाई चढ़नी है, लाइट लगा रखी है उन्होंने, तो ये वहाँ से लोहड़ी आएंगे। देखिए ऊपर पानी भरने गए क्योंकि पानी मिलता नहीं है, तो नीचे से टॉर्च का सिग्नल दे रहे हो। तो फाइनली गाइस हम मंदिर पहुँच चुके हैं लोहड़ी के, भोलेनाथ की जय। अब आपको मैं दिखाऊंगा मंदिर परिसर का बाहर का नज़ारा। जाएंगे अंदर और यहाँ तलाश करेंगे अपने रहने के लिए, तो यहाँ पर भी घेर दिया है, लोग बाज काफ़ी आए हैं। देखिए अपना अपनी सीट रख दी यहाँ पर लोगों ने, अब दूसरे कमरे में जाएंगे हम, कहीं पर और सीट है करके, यहाँ पर भी है कमरा काफ़ी जगह है। ये देखिए यहाँ पर भी जगह है। भाई लोग आगे कहाँ से आए हो? गणाई उड़ाई से देवलथल में ही आए, देवलथल से भी आए भाई लोग। देखे दोस्तों अब मैं मंदिर के अंदर की ओर जा रहा हूँ, यहाँ पर भोलेनाथ का जो पुटलिंग है वो है। देखिए पंडित जी आ गए हैं यहाँ पर, रात को अभी बत्ती जलाई जा रही है यहाँ पर ये, और ये पुटलिंग है देखिए शिव जी का, भोलेनाथ की जय। दिया बत्ती करके देखिए धूप धूप चला के बढ़िया ढंग से भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर दिया है, अब यहाँ पर कुछ पूजा पाठ करेंगे। बोले भोलेनाथ की, चलो अब पूजा पाठ करने के बाद गाइस देखिए अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ नीचे देखिए यहाँ काफी लोग आए हैं। देखिए खोली से भी आए हैं सारे ग्राम, रोटी बनाते हुए कैसे हैं? बढ़िया ठीक हो? देखिए रोटी बना रहे हैं, रोटी बन रही है नहीं हमारी, बहुत बढ़िया रोटी यार। देखिए सालिग्राम एंड पार्टी सब आए हैं। आपको तो खाना बनाने की किस समय पहुंचे आप? हम पहुंच गए यहाँ पर 2 घंटे पहले पहुंच गए। रोटी के साथ क्या बनना है? सब्जी बना दी? सब्जी बना दी। गुड गुड बढ़िया। ये देखिए ये सब्जी सूखी सब्जी देखिए, अभी मट्ठा भी आएगा, हम घर का मट्ठा भी। चलो ठीक है आपके साथ बनती है फिर पार्टियाँ। ये देवलथल से चचा लोग और पंडित जी लोग। चचा नमस्कार। किस में पहुंचे चचा आप? पहुंच गए थे आप 5 बजे। 5 बजे पहुंच गए थे। खाना खा दिया आप लोगों ने? खाना ही बना रहे हैं। चलो ठीक है। ये पेंट वेंट भी किया ना मेरे ख्याल से आज पंडित जी लोगों ने, काफी मेहनत की है पंडित जी लोगों ने, बहुत बढ़िया चचा। तो दोस्तों खाना खाने के बाद अब मैं हमारे अंदर, यहाँ हमने हल्की सी एक धुनी रमाई है देखिए। भगत मंडली चल रही है हमारे यहाँ, जो हमारे खोली से भाई लोग आए हैं और
चौरासी से जितने भी हम लोग आए हैं सब मिलकर यहाँ पर आप स्वागत मंडली कर रहे हैं। रात के 11 बज चुके हैं, अब मुझे लग रही है नींद, तो मैं सोने जा रहा हूं। तो मैं जो घर से स्लीपिंग बैग लाया था इसके अंदर मैं सो गया हूं। तो जो मेरे साथी पार्टनर थे वो भजन गा रहे हैं जैसे मैंने आपको दिखाया इससे पहले। तो मिलते हैं आपसे कल दोस्तों। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? एक बार दिन की शुरुआत हो चुकी है, करीबन करीब 7 बज रहे हैं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे जस्ट देख रहे होंगे, लोग आज उठ गए हैं यहाँ पर जो मंदिर में आए थे, और ये घास कटाई चल रही है और मंदिर सफाई चल रही है। तो उसके बाद हम नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद आपको इधर मंदिर के एक भव्य दर्शन कराते हैं। दर्शन नज़ारा देखिए सूरज भगवान का। सुबह की खिलती हुई धूप देखिए, दादी लोग घास आस काट रहे हैं। आज यहाँ मेला है ना, तो यहाँ पर दुकानें वकानें लगेंगे और पानी गर्म भी किया जा रहा है यहाँ पर, और धुनी जलाई गई है यहाँ पर। जो नज़ारा है इसको हम ड्रोन के द्वारा आपको दिखाएंगे, तो अब हम ड्रोन उड़ाते हैं।
तो आप ड्रोन उड़ाने के बाद, आप चंदन टीका लगाने के बाद और दिया बाती करने के बाद, अब मैं मंदिर परिसर में हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा मंदिर का भी काम चल रहा है, सर लोग आए हैं देवस्थल से और पेंटिंग कर रहे हैं। चौरासी से सर, चौरासी में जलीमा से। अच्छा जलीमा, ये देखिए मंदिर परिसर के चारों ओर देखिए। देखिए पूरी तरह से खिल गई है, अभी करीबन करीब 9 बज चुके हैं सुबह के, तो धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए हैं। आज मेला होगा यहाँ, तो यहाँ दुकाना वकाना आएंगे थोड़ी देर के बाद। मूंगफली और क्या क्या लाए हैं सर? मूंगफली है, कुरकुरे हैं, कुरकुरे हैं, चॉकलेट है। द्वारा पूजा पाठ की जा रही है, भोलेनाथ को नहलाया धुलाया जा रहा है और आरती की जाएगी इसके बाद। पंडित जी आ गए हैं तो पाठ हाठ करेंगे यहाँ पर, तो घंटी लाए होंगे और पंडित जी भी आ गए हैं, तो पंडित जी शुरू करें। शुरू करते हैं बस 2 मिनट। ओम ऋग्वेदाय नमः, ओम यजुर्वेदाय नमः, ओम श्याम वेदाय नमः, ओम अथर्वणे नमः स्वाहा। इदम अथ पौराणिक मंत्रे आत्मन्यम कुर्यात्, पुष्पाणि कुर्यात्, फूल पकड़ के हाथ जोड़ो। भाई जैसे कि आप देख रहे हैं, आप पाठ करने के बाद हम, अब पंडित जी हैं ये हमारे शास्त्री गुरु। सर गुरु आपका नाम क्या हुआ? मेरा पंडित रोहित पांडे जी। नमस्कार प्रिय मित्रों जी, जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। तो गुरु जी हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि जो ये लोही का जो भगवान शिव जी का मंदिर है, इसकी स्थापना कब हुई थी और कुछ बताएंगे आप इसके बारे में, जो पुराना इतिहास है? इतिहास तो इस कहानी तो बहुत है इनके बारे में, अलग अलग जगह अलग अलग कहानी प्रचलित है। जैसे की दूध की गाय के दूध की धार से यहाँ पे जो हमारे पूर्वज अभी कलयुग के थे, लेकिन उससे पूरे पूर्व ही जो है इसकी स्थापना हो चुकी थी। मैं आपको जो है बताऊंगा राजा महाराजाओं की कहानी। जब सर्वप्रथम यहाँ पे जो है लिंग को स्थापित किया गया था, तो प्राचीन काल की बात है, मद्रास के एक राजा थे जो है साधु थे, तो हमारे हिमालय में जो है तपस्या करने के लिए आए। घोर तपस्या के बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको 2 वर दिए थे। तो जो साधु थे उन्होंने भगवान शिव से 2 वर मांगे थे, एक पूर्ण स्वरूप और एक अर्धनारेश्वर स्वरूप, 2 स्वरूप मांगे थे। तो दोनों स्वरूप जो है जब शिव जी से प्रदान हो गए, तो वो आए, वहां से आते समय हमारे अस्कोट के राजा थे जो, उन्होंने उनको पकड़ लिया साधु को, बोला हमारे हिमालय से, उस टाइम पे अब वैसा ही संस्कृति थी कि हमारे हिमालय से क्या लाए हो, क्या चोरी करके ले जा रहे हो, ऐसी प्रचलित थी। तो राजा ने पकड़ लिया, तो साधु ने बताया कि ऐसे मैं मद्रास से आया हूँ, मैंने शिव जी की तपस्या की और तपस्या से जो है खुश होकर भगवान शिव ने मेरे को ये 2 रिंग दिए हैं मेरे को, उनको मद्रास से जाके स्थापित कर सके। तब तो राजा था, तो राजा जो है शिव भक्त था वहाँ का, तो उसने साधु से प्रार्थना की और जो है उनसे कहा कि हे साधु, आप जो धन लेना चाहते हो चाहे मेरा राजपाल ले लो, लेकिन शिव जी का एक स्वरूप जो है यहाँ रख। तो जो है फिर ऐसे ही बात हुई, बातचीत चली, तो साधु बड़ी हट की, राजा ने तो साधु मान गए, साधु ने बोला कि हम इनको यहाँ स्थापित कर लेंगे। अब जो है एक पूर्ण स्वरूप था, तो साधु ने एक पूर्ण स्वरूप हमारे अस्कोट में लोरी मल्लिकार्जुन के नाम, वो भी मल्लिकार्जुन के नाम से, मल्लिकार्जुन महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ रख दिया पूर्ण स्वरूप। तो आप क्या हुआ, पूर्ण स्वरूप रख दिया तो एक स्वरूप बच गया, उसमें से एक शर्त थी भगवान जी की, जहाँ इस लिंग को रखोगे वहीं ये स्थापित हो जाएंगे। तो साधु ने क्या किया, उस लिंग को बांधा और अपने गले में लटका लिया। उसके बाद जो है साधु ने वहाँ भोजन ग्रहण किया, उसी कारण एक नोट यहाँ पे है कि भोजन ग्रहण करने के कारण ही जो है लोली मल्लिकार्जुन में अन्न का प्रसाद जो है चढ़ता है, नहीं तो भगवान शिव के मंदिर में कंदमूल फलों का भोग लगता है, लेकिन यहाँ जो है हमारे लोली मल्लिकार्जुन में अन्न के प्रसाद का भोग लगता है, उसी कारण क्यों
क्योंकि जब वो साधु ने ग्रहण किया तो शिव जी उसके कंठ में बधे थे और शिव जी ने भी ग्रहण करते हुए सूंघते हुए वो तब नीचे को गया। तो उसके बाद सुबह हुई तो आप जो है राजा ने पूजा की और एक शर्त रख दी थी वहाँ जो है लेडीजें जो है पूजा नहीं लगा पाएंगी। तो आप उस राजा की 12 पत्नियां थी अस्कोट के राजा, उसमें से जो सबसे बड़ी पत्नी थी वो हमारे गांव देवलथा धारावीसी क्षेत्र की वहीं ग्राम सभा की सोनों में से सामंत लोगों में से। तो फिर वहां से वो रानियों ने उनको पकड़ लिया और साधु से बोला कि हे प्रभु हे पति तो हमें जो है शिव की पूजा लगाने नहीं देंगे यहाँ, तो आप ये अर्धनारीश्वर भी यहाँ ही हमारे लिए रखे जाओ। तो अब ऐसी बात हुई, बड़ी हट हो गई। तो बच्चियों की हट सुन के साधु बोले कि चलो मैं इस अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी यहीं रख देता हूँ, लेकिन इसको रखें कहाँ, क्योंकि वहां तो राजा ने तो पूर्ण स्वरूप रख दिया था, अब तो वो अर्धनारीश्वर स्वरूप न रखे। जी जी। तब रानी ने बोला कि ऐसे उंगली दिखाई इस पर्वत लोड़ी मल्लिकार्जुन पर्वत की ओर कि यहाँ रखो, यहाँ से मेरा मायका भी दिखता है और मेरा ससुराल भी दिखता है, यहाँ से दोनों के ब्रह्म दृष्टि के दर्शन होते हैं अस्कोट के भी और बारावीसी के भी पूर्ण क्षेत्र के। तो उसके बाद यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद जो है यहाँ स्थापित हुआ लिंग, अब स्थापित हो गया तो साधु ने स्थापित कर लिया, स्थापित कर लिया तो संकल्प कौन ले, स्त्री तो संकल्प ले नहीं सकती, तो उसके लिए कोई जनेऊधारी चाहिए। तो उसके बाद वैसे ही संघर्ष होते होते फिर रानी ने बोला कि मैं अपने भाई को बुलाऊंगी जो हमारे यहाँ सोन से आएगा, उन्हीं बारावीसी ग्राम सभा उन्हीं से जो सोन आएगा। तो आप सोन आया तो आप हो गया, चलो भाई आप पंडित जी कौन आए, उस टाइम पे हमारे सामंत लोगों के जोशी जी लोग होते थे, चौखा लोग चौखा ग्राम सभा के पंडित होते थे, तो अपने पंडित को लेके भी यहाँ पे आए। फिर तभी से जो है यहाँ लिंग की स्थापना हुई, लिंग स्थापित होके फिर जो है पंडित जी आए, चौखा से जोशी जी अंदर जाने वाले हुए, हमारे यहाँ का सामंत ठाकुर होगा तभी जो है यहाँ पे भोग शिव जी ग्रहण करने वाले, वो प्रचलित अभी तक भी चली आ रही है इस कारण यहाँ पे स्थापित। फिर उसके बाद राजा महाराजों का काल खत्म हुआ, नया युग शुरू हुआ, एक नई ईस्वी आई। तो उसके बाद जब हमारे पूर्वज थे यानी कुछ ही पीढ़ी 7 पीढ़ी आगे हमसे, तो निगाल काटते थे, निगाल काटते काटते वो चाकू यहाँ पड़ गई लिंग में, कट भी गया, वो घाव अभी भी है लिंग में, तो इसको लिंग को खंडित बोलते हैं। और यहाँ से जो है कलयुग में कलयुग की जो हाल की है, तो यहाँ से खून निकलने लगा जहाँ भी पानी अटका है, तो जब खून निकलने लगा तो वो चले गए यहाँ से, वो निगाल का काम करते थे। उसके बाद जब वापिस आए हॉल पूछे तो उसके बाद पता चला कि हाँ यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। तब से प्रचलित थे, धीरे धीरे आस्था बढ़ती गई और धीरे धीरे भक्तों का आना जाना चलते रहा। जी जी, गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, जो क्या कहते हैं आप इसी प्रकार आपकी भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बने रहे और हमें भी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है सर, महादेव की कृपा बनी रहेगी, अन्य प्रिय मित्रों में भी बनी रहेगी, लेकिन एक नोट मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रांगण में आए तो कम से कम 7 दिन शुद्ध भोजन करके ही इस प्रांगण में आए और अशुद्ध भोजन न खाएं तथा तामसी भोजन मद्रापान आदि चीजें भी नहीं करनी, जिससे कि हमारे शरीर में जो है पापी ऊर्जा की जो है विकार हो सके। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि अभी पंडित जी ने हमें बताया मंदिर के जो भोलेनाथ की इसकी स्थापना कैसे हुई थी यहाँ पर, तो आपको सुन के काफ़ी अच्छा लगा होगा। और हमने पूजा पाठ कर दी है और धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी पूजा पाठ करेंगे। यहाँ पर एक हल्का फुल्का मेला भी लगता है, मेला भी लगेगा। तो अब हम घर को जाएंगे थोड़ी देर बाद, तब तक मैं आपको यहाँ का जो भव्य नज़ारा आता है वो दिखाता हूँ आपको। पूजा पाठ करने के बाद अब हम लोग घर को जाएंगे। हेलीकॉप्टर भी आ गया है मंदिर के जस्ट ऊपर से, देखिए ये शायद जो हमारे लिपु लेख में काम चल रहा है वहां जा रहा है। अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर, चलो फिर। अंधेरा था तो कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन आज देखिए कितना घनघोर जंगल है। देखिए ये गाइस, यहाँ से जो रास्ते हैं ये चौराहा टाइप का है यहाँ पर। देखिए ये जो ऊपर को रास्ता जा रहा है ये जाएगा जौरासी की ओर, और जो ये जाएगा बजानी की ओर और जमतड़ की ओर, और ये जाएगा चिला की ओर और अजेड़ा की ओर,
चिला जिला की ओर और जो ये रास्ता है मंदिर की ओर। कल रात को रात होने की वजह से मैं बता नहीं पाया। फाइनली गाइस आधा रास्ता सफ़र करके अब हम चौरासी पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ी देर बाद हम चौरासी पहुंच जाएंगे। तो मैंने कोशिश की आज कि आपको एक अच्छा सा अच्छा लोहड़ी का जो शिव जी का मंदिर है उसको दिखा सकूं। तो गाइस अब मेरे चैनल में को आप सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिए कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। तो अब आपसे विदाई लेने की बारी है, तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर, तो बने रहिए। टाटा, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।